और करने के साथ हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को अब ले आना और सुप्रीम कोर्ट के तहत कार्रवाई को करना। एक बात सामने निकल के आई है, दूसरा एक तो ये हुआ, एक बहुत ही बड़ा दुखद घटनाक्रम पिछली 15 तारीख को, ये भी घटना 15 को ही हुई, रिजल्ट 15 को ही आया, 15 को ही एक घटना और घटी काशी के अंदर, जिसमें कि एक नवनिर्मित निर्माण जिस पुल का चल रहा था, नया फ्लाईओवर बन रहा था, उसका एक गार्डर कर्मचारियों और निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से सड़क पर आ गिरा, जिसके नीचे आकर के लगभग 50 लोग घायल हुए, 50 से अधिक लोग घायल हुए और 18 लोगों की जानें चली गई। चूंकि वो क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का है, वहां पर अभी तक चूंकि वो सांसद भी हैं, वे अब तक न तो घायलों से मिलने गए, न ही वे मृतकों के लिए एक संवेदना प्रकट करने के बाद अतिरिक्त कुछ नहीं किया। जबकि सांसद का कार्य होता है, एक बार वो तो अपने सब कामों को छोड़ के 2 घंटे के लिए ही चले जाते थे, एक अलग संदेश जाता, वो नहीं गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा, योगी को, योगी से पूर्व 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 मुख्यमंत्री भागे, वो भी पहुंचे, उनकी भी जो तस्वीरें अभी निकल के आई हैं, एक तरफ संवेदनाओं की चेहरे पे शिकन होनी चाहिए, एक घटना का शिकन होना चाहिए, वे हंसते हुए चेहरे टोटल सोशल साइट्स पर निकल के आए। ये किस तरीके का राजनीतिक और किस तरीके के लोग अब हमारे बीच में आते जा रहे हैं, जिनके बीच में संवेदनाएं और हर तरह की मानवीयता खत्म होती जा रही है, वो भी अभी हमें सोचना होगा कि हम लोग कैसे लोगों को चुन के भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए मृतकों के लिए और बाकी के लिए 2 लाख रुपए और अन्य को उसी हिसाब से घोषणा कर दी कि ये मुआवजा दिया जाएगा। इन मुआवजे से क्या वो मृतक वापस आ जाएगा? क्यों नहीं ट्रैफिक रोका गया काशी के अंदर, जिधर ये निर्माण चल रहा था, और ट्रैफिक पुलिस और निर्माण कंपनी के बीच में पिछले कई महीनों से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एफआईआर का और कानूनी कागजों का आदान प्रदान एक दूसरे के लिए चल रहा था, दोनों में तालमेल क्यों नहीं था? मुझे याद आता है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो का एक बोर्डर गिरा था, जिसमें 2 व्यक्ति मरे थे, लक्ष्मी नगर में, एक नेहरू पैलेस के पास भी गिरा था, उसमें एक व्यक्ति के निधन हुआ था। कंपनी ने पूरी जिम्मेदारी ली, उनको भरपूर मुआवजा भी दिया, जबकि वो दोनों तीनों लोग मृतक जो भी थे, एक सामान्य नागरिक और कुछ वहां के लेबर्स थे। उन्होंने लिया जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेते हुए उसको किया और कार्य भी पूर्ण किया, जबकि मेट्रो बहुत ही सुरक्षा के तहत और हर तरह से उन्होंने कार्य किया। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली फ्लाईओवर पे हो गई, पूरी मुंबई फ्लाईओवर पे हो गई, जयपुर में फ्लाईओवर फ्लाईओवर्स हो गए, तमाम शहरों में फ्लाईओवर्स बने, हर जगह सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, प्रदूषण के नियमों पर ध्यान दिया जाता है। काशी के अंदर ये लापरवाही क्यों की गई? प्रदूषण विभाग ने भी कोई भी कार्य अब तक नहीं किया है और प्रदूषण को लेकर के काशी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं की गई है, उस चीज पर भी ध्यान देना होगा और उस कंपनी को उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। ना तो एक तो भरपूर प्रदूषण वहां पे डीजल वाहनों से लेकर के है और काशी के अंदर आप 2 घंटा सांस वीजिंग के बाद, मैं तो ये कहूंगा कि पहले कलकत्ता कहते थे और जगह कहते थे, मैं तो कहूंगा कि अब तो वीजिंग के बाद सीधे काशी ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है। डीजल वाहन है
और तमाम छोटे बड़े वाहन में धुआं इतना है, कोई पोल्यूशन चेकिंग नहीं होती, किसी भी वाहन की पोल्यूशन चेक नहीं होता, केवल सर्टिफिकेट 25-50 रुपए में किसी भी पेट्रोल पंप पर बन जाते हैं, वो लेकर के वो भी चलते हैं। सरकार उस तरफ भी नरम है, पुलिस वाले अपनी जेब गरम करते हैं उस पर भी कार्य होते हैं। काशी की जो घटना हुई उसकी मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, अपने पूरे फेसबुक और अपने सभी सोशल सभी साथियों के साथ की तरफ से उनके मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के लिए जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ये तो थी काशी की बात। अभी हरियाणा में भी कुछ बातें चली हैं। हरियाणा में एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रश्न पत्र में, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा वो परीक्षा ली जाती है, उसके अंदर ब्राह्मणों के लिए एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि शकुन और अपशकुन को लेकर के, कि किस रंग के ब्राह्मण को देख करके अपशकुन होता है और किसकी कन्या को देख करके शकुन या अपशकुन होता है। उसमें ब्राह्मणों का भी जिक्र आया, दोनों प्रश्नों में ब्राह्मणों का जिक्र आया। ब्राह्मण समाज पूरा उद्वेलित हो गया, क्रोधित हो गया, उन्होंने जगह जगह आंदोलन किया। मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर थे, विदेश यात्रा से लौटते ही ब्राह्मण समाज के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने उनका एयरपोर्ट पर भी शकुन अपशकुन और सब चीजों को लेकर के विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कल बैठक बुलाई समस्त ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों की, और हरियाणा सरकार के अंदर जितने भी विधायक हैं उनको बुलाया और उन सभी लोगों की बैठक की, उन लोगों सबसे बातचीत की, और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के इस कमी की वजह से, उनकी इस गलती की ओर से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी ब्राह्मण समाज से। साथ ही साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बीबी भारती, उनको जांच होने तक निलंबित कर दिया। उन्होंने जिन लोगों ने पेपर सेट किया है, जिस कमेटी ने ये पेपर सेट किया और उस सवाल को डाला, जबकि उस टेक्निकल एग्जामिनेशन में टेक्निकल चीजों पर सवाल होना चाहिए था, शकुन अपशकुन और अन्य चीजों पर क्यों किया गया, इसको लेकर के तुरंत एफआईआर दर्ज करने की बात कही, जो देर रात तक पंचकुला के अंदर दर्ज हो गई है। ये सूचना भी मैं आपको इसी फेसबुक के माध्यम से दे रहा हूं। ब्राह्मण समाज के तमाम संगठनों ने जो अपनी हड़ताल थी वो वापस ली, मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी मांगे मानी, और साथ ही साथ ताकीद किया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने भी उनकी बात को माना, और कि किसी भी समाज की जातिगत टिप्पणी न की जाए और जातिगत सवाल किसी भी उसमें ना आए। इन सब चीजों को लेकर के बहुत बातें समाज के अंदर एक दूसरे के ऊपर जातिगत भावनाओं को लेकर के फैलती हैं, वो ना हो इस पर भी मुख्यमंत्री ने सबको आश्वस्त किया। शिक्षा मंत्री ने प्रेस को संबोधित किया। हमारे YouTube चैनल पर ईशान टाइम्स YouTube डालेंगे, आप YouTube पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक के बाद उनके रोड शो का कार्यक्रम जो कि तय था हिसार के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री का, वहां पर वे रोड शो कर रहे थे, और रोड शो के दौरान ही मुख्यमंत्री सभी का है, अगर जनता के बीच में जा रहा है और जनता की बातें सुनने के लिए तो जनता की चीजों के लिए, उसी दौरान में रोड शो के दौरान में ही कुछ नगर पालिका कर्मियों ने, जिनकी हड़ताल पिछले दिनों चल रही है, उनकी उनकी कुछ मांगों को लेकर के, और वो हड़ताल विफल हुई थी कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर के, और उसके कुछ कर्मियों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। पहले तो ये घटना हुआ, मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय विधायक जो चुन के आए हैं, मंत्री हैं, वे लोग भी थे, और नव नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद
वशिष्ठ जी भी, डीपी वशिष्ठ जी भी थे। इन लोगों के सम्मुख और तमाम सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में ये उन्होंने झंडे दिखाने का काम, काले झंडे दिखाए जब मुख्यमंत्री को, तो उस वक्त उन पर तुरंत कार्रवाई की सुरक्षा बलों ने, उनको वहां से हटाया गया। मुख्यमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ा, एक मंदिर में दर्शन करने का प्रोग्राम था, उस मंदिर में जाना है, दर्शन भी करना है। मुख्यमंत्री जी दर्शन के लिए उतरे, उतरते ही बगल में एक सिरफिरा युवक, न मालूम क्या उसके मन में था, उसने वहां पे काला जला हुआ मोबाइल मोबिल ऑयल होता है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी की ओर फेंक दिया, और कुछ जाट आरक्षण जिंदाबाद और या और ताऊ देवीलाल जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगा। उस युवक की कुछ पारिवारिक समस्या थी, उसको लेकर के वो पूर्व में मुख्यमंत्री से मिलने आया था, मुख्यमंत्री ने उसको आश्वस्त किया था, लेकिन वो तुरंत उस पर अपनी कार्रवाई चाहता था, या क्या था उसके मन में, किस तरह की क्या बातें थी, ये मुख्य बातें निकल के आई। और इस बात के बीच में उस युवक ने जो स्याही फेंकी या मोबिल ऑयल फेंका, उसका सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर पड़ा, कुछ छींटा और कुछ छींटा राज्यसभा के सांसद बीपी वशिष्ठ जी पर भी पड़ा, और जो भी उनके साथ थे उन सभी लोगों पर हुआ। ये एक निंदनीय कृत्य था। अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, रखिए। इस तरीके से आपका विरोध, काले झंडे, कालिक फेंक देना या कुछ भी कह देना, इस तरीके से विरोध दर्ज कराने की मैं निंदा करता हूं, और ये नहीं हो सकता। आप अपनी बात को कहिए, रखिए। अब क्या ब्राह्मणों ने ही रखा? उन्होंने कोई हिंसा की? इतनी बड़ी बात हुई, तमाम जातियां, जरा सी बात होती नहीं है, हिंसा हो जाती है। पिछले महीने देखिए, अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट, एक केस गया है कि उस पर उन्होंने कोई अपने लोगों से पूछा, उस पर ही लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को आग लगाने का प्रयास किया। ये एक गलत है। हिंसक चीजों को, हिंसक वारदातों का मैं निंदा करता हूं, और कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हर बात को कही जा सकती है, करी जा सकती है। ब्राह्मण समाज ने इस चीज के लिए आगे बढ़ करके और शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी मांग को ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी और जगह जगह अधिकारियों को दे करके और अपने प्रदर्शन को करके, किसी भी प्रकार की कहीं पर भी हिंसा की कोई बातचीत नहीं हुई, केवल अपनी बात रखी है ब्राह्मण समाज ने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये अन्य समाज को भी इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि हिंसा ही हर समस्या का समाधान नहीं है, ये भी नहीं होनी चाहिए। आज हम लोगों ने दो तीन बातें की, हरियाणा की लेटेस्ट जो घटनाक्रम चला उस पर भी बात हुई, कल की जो घटना हुई उस पर भी बात किया, कर्नाटक में अभी घटनाक्रम चल ही रहा है और थोड़ी थोड़ी चर्चाएं अलग अलग जगह से आ रही हैं, और हम लोग जो हैं आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक बात और मुझे कहनी है कि कल रात को, देर रात में महाराष्ट्र से हमारे एक साथी ने फोन किया, वो पता नहीं किस सतारा डिस्ट्रिक्ट में या किसी जिले में थे, हमारे फेसबुक दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नंबर लिया फेसबुक से, और फेसबुक से मेरा नंबर लेकर के रात को मुझे फोन किया। उनको समस्या थी, कोई दिक्कत थी, वे पुलिस को फोन लगा रहे थे। 100 नंबर डायल करते हैं, 100 नंबर पे घंटी जाती है, कोई उठाता नहीं है, फिर घंटी जाती है, फोन इंगेज हो जाता है। लगभग वो 3-4 घंटे से 100 नंबर को कॉल कर रहे थे कि किसी तरीके से बात हो जाए। 100 नंबर, वहां के फोन नंबर को कोई भी उठा नहीं रहा था। महाराष्ट्र के अंदर की यह स्थिति है, यही स्थिति अन्य शहरों में भी है। पहले तो 100 नंबर उठता नहीं, फिर जो 100 नंबर की जो एजेंसीज हैं वो सभी सभी निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। पुलिस को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 100 नंबर को अपने जो एक सिंपल नंबर होता है, हर हर मोबाइल से वो मिल सके, हर कोई लैंडलाइन नंबर को याद नहीं रख पाता, एक सिंपल नंबर चाहता है, सिंपल नंबर को वो रख सके, याद कर सके, इसलिए इस नंबर को भी सक्रिय करना होगा सभी स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश में भी अभी पिछली सरकार ने 100 नंबर डायल का एक प्रयोग किया था, बहुत अच्छा प्रयोग था, सब जगह था, एक्टिव था। अभी
उसके भी निष्क्रिय होने की पूरी बात। इसका एक खामियाजा यह है कि तमाम कानूनी अड़चने, कानून की बातें पुलिस तक जब दर्ज ही नहीं होंगी, पुलिस तक जब पहुंचेंगे नहीं, तो उस समस्या का निराकरण होगा कैसे? तो 100 नंबर को एक्टिव करना होगा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पुलिस को एक्टिव होना होगा और बिना किसी दबाव के, बिना किसी भी अन्य बातों के, कानून की पालना के लिए कार्य करना होगा। एक तो ये महाराष्ट्र की बात थी, हमारे फेसबुक दोस्त ने इस तरीके के मुझे रात को फोन किया, 2 बजे रात को मुझे, कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, मैं कल सुबह दिन में इस पे बात करूंगा और जिससे भी बात करनी होगी मैं जिस तरीके से भी वहां तक बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र के या केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कोई भी लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड से हैं और उन लोगों की बात पहुंच रही है, तो महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या जिस भी राज्य में है, अपने पुलिस महकमे को ताकीद कीजिए। उनसे निवेदन है कि वे 100 नंबर डायल 100 नंबर को एक्टिव करें और उसको दुरुस्त करें। मुझे मालूम है कि मेरी ये फेसबुक पर बहुत से इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, केंद्र के भी, गृह मंत्रालय के बहुत से लोग हैं जो मेरी इस फेसबुक आईडी को बराबर नजर रखे हुए रहते हैं। मेरे हर कमेंट्स पे, हर चीज पर उनकी नजर होती है, क्योंकि समाज से रिलेटेड, देश के कार्यों से रिलेटेड मैं बराबर इन सब चीजों पे सक्रिय और सतर्कता से कार्य करता रहता हूँ। और इस ये तो बात हुई वहां की, हरियाणा में भी जो कल घटना घटी है, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, हरियाणा सरकार के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आपकी सीआईडी को क्या ये सूचना नहीं थी? आपकी सीआईडी क्या कर रही थी? जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय होकर चला जाता है, हर व्यक्ति के पीछे आगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सूचनाएं रखी जाती हैं, किस व्यक्ति के मन में क्या है, कौन से कर्मचारी क्या करने जा रहा है, ये सीआईडी का फेलियर है, आपके इंटेलिजेंस का फेलियर था जिसकी वजह से कल की ये घटना हुई है। इन लोगों की जांच हो और इसको सक्रियता को ठीक से किया जाए। मुख्यमंत्री के शो को या मुख्यमंत्री इस वक्त तमाम जगह पिछले दिनों में किया था, उसके बाद विदेश चले गए, आए हिसार में कार्यक्रम है और सभी सभी जगह पे इनके कार्यक्रम हैं और वे रोड शो कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक से उनकी समस्याओं को जान भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त गांव में और जिलों में बहुत से अधिकारी गांव में जाके स्टे करते हैं, वहां के ग्रामीणों की समस्याओं को लेते हैं अलग अलग तरीके से। हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ समस्याएं कम है और कार्य भी हो रहा है। लोगों को लगता है कार्य ना, हाँ सिफारिशों के काम नहीं होते हैं, फंडेबाजों के कार्य नहीं हो रहे हैं, जो सिफारिशी नेता है या और लोग हैं फंडेबाज हैं, उन लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं। वे लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को कहने का मौका नहीं मिल पा रहा है और वे ज्यादा ही परेशान हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। सरकार जहां अच्छा कार्य करेगी मैं उनकी सराहना भी करता हूं, और नहीं कार्य करेगी तो मैं ओपनली लिखता भी। कल एक सोशल साइट्स पर वीडियो आई हरियाणा सरकार के मंत्री का, वो मेरे फेसबुक दोस्त भी हैं और मैं उनके साथ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए माँ की गाली का प्रयोग किया जो कि निंदनीय है। नेताओं को या किसी को भी माँ बहन की गाली जो तकिया कलाम बना के रखते हैं वह न बनावे, ये भी अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सबकी माँ बहनें, माँ बहनें हैं, गालियों का प्रयोग न करें। और गालियां तब निकलती हैं जब आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का मैंने वो, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर, हमारे वो है, वो भी देख सकते हैं आप, वहां पर ईशान टाइम्स यूट्यूब पर दिखेंगे, आपको मिलेगा। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जो भी हम लोग चीजें होती, मैं किसी भी खबर को दबाने पर विश्वास नहीं करता, या छोड़ो एक्स छोड़ो, कोई बात नहीं, कब तक हम छोड़ेंगे, समाज कैसे सुधरेगा, सब जिम्मेदारी उन्हीं का है, क्या नेताजी लोगों का, हम आपकी भी। आप भेजे, आप लोगों के पास भी कोई खबरें होती हैं, कोई बातें होती हैं, हमें मैसेंजर पर भेज दीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरी प्रोफाइल में मेरे फोन नंबर्स कोई भी लॉक नहीं है और वहां से मेरे फोन नंबर्स, मेरी टोटल आईडी वहां से देख करके आप भेज सकते हैं। बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस तरीके की कार्यों के लिए हम लोग
सदैव आपके साथ लगे हुए हैं। ये तो हुई बातचीत। पिछले दिनों केवल और केवल बलात्कार की खबरें आ रही थी, वो खत्म हुई। बॉर्डर पे प्रतिदिन गोलीबारी हो रही है, कंप्लीट बंद है, वो खबरें नहीं दिखाई जा रही। कर्नाटका का रिजल्ट आया उसी दिन शाम को, बॉर्डर गिर गया, बनारस काशी की घटना हुई। उसी के क्रम में उसी दिन कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया। युद्ध विराम कहूंगा, आतंकियों के विरुद्ध वो युद्ध ही है, आतंकियों के लिए कार्य कर रहे थे जो कि नहीं करना है। इन्होंने युद्ध विराम या सीज फायर जिसे कहें अंग्रेजी में, सीज फायर की घोषणा की। उसके तुरंत बाद एक युवक को उठा लिया गया, उस युवक की हत्या कर दी आतंकियों ने, और उसके बाद सुरक्षा बलों पर भी उन्होंने अटैक किया। नतीजा, पुलिस को पूरा, आर्मी को तुरंत तुरंत अपना फायर खोलना पड़ा। ये क्या रमजान का महीना है और आप अपने लिए तो सीज फायर मांग रहे हो? अभी अमरनाथ चलने लगेगी तब आप फटाफट बम फाड़ोगे, यानी कि अमरनाथ यात्रा पे आप बम फेंकोगे और गोलीबारी करोगे, और अपने रमजान महीने में आप कहते हो कि एक तरफा युद्ध विराम सरकार करे। क्यों करे? आप अपने हथियार को पूर्ण रूप से डाउन करके, उसको आत्मसमर्पण करके, आप हिंसा को बिल्कुल बंद करें। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सीज फायर जैसे कदम को जो उन्होंने उठवाया है उसको तुरंत वापस ले। फोर्स जो कार्य कर रही है, सेना जो कार्य कर रही है, वो अब तक 80% कर चुकी है, उसको ना रोकिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा सरकार को कि जब कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण पलायन कर रहे थे, उस समय जगमोहन जी ने इन आतंकियों के प्रति कार्रवाई करने का कार्य शुरू कर दिया था, जो कि दबाव में आकर के इसी मुख्यमंत्री के पिता के दबाव में आकर के जगमोहन जी को वापस किया था, वहां से हटा दिया था। जगमोहन जी होते तो आज कश्मीरी ब्राह्मण भी वहां मौजूद होते, हिंदू वहां से पलायन कर गए, गांव से अपनी अपनी सारी संपत्ति छोड़ के चले आए, जो जैसा था वो वैसा भागा। आज भी वे सड़कों पर हैं, टेंटों में हैं, और किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं आके देखना हो, देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। पंचकूला में भी कुछ कश्मीरी ब्राह्मण भाई हमारे हैं, मैं उनके साथ दिखाता हूँ। जो लोग अच्छे थे, पढ़ते थे, वे एक दूसरे को उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। उन कश्मीरी ब्राह्मणों को सुरक्षा देने के लिए जगमोहन जी ने जब कार्य किया, जो उस समय के वहां के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन था, तो उस वक्त की सरकार ने को तुरंत हटा दिया और इन्हीं लोगों को संरक्षण दिया, इन आतंकियों का संरक्षण दिया जो कि आज पत्थरबाज हैं, सेना पर अटैक कर रहे हैं, सभी चीज कर रहे हैं। इस तरीके के कदम, सेना का मनोबल टूटता है, सैनिकों का मनोबल टूटता है, और राष्ट्रहित में नहीं है। केंद्र सरकार का सीज फायर के निर्णय की मैं निंदा करता हूं और उसको सरकार वापस ले। अपने फेसबुक दोस्तों के माध्यम से भी ये अपील करूंगा कि वे सभी लोग लिखें सरकार को कि सीज फायर का निर्णय गलत था। मेरे साथ इसी बातचीत के क्रम में कुछ मुस्लिम भाई हैं, वे भी शांति प्रिय हैं, वे भी नहीं चाहते हिंसा हो और किसी तरह का कोई काम हो, और वे लोग भी इसी जो करेंगे कि क्या एक तरफा ही केवल गोली चले। आप सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरे इस वीडियो पर अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं, अपनी बात को रख भी सकते हैं। मैं सभी का एक बार फिर साथ स्वागत स्वागत कर दूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े, मैंने बीच में स्वागत किसी का किया नहीं, तो
शुरू से मैं अभी एक बार सभी के नाम ले लेता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयानंद राय जी, संतोष राय जी, सुधाकर राय जी और प्रभात शर्मा, प्रदीप जायसवाल, धनंजय सोनू, कमलेश भारतीय सर, अमरिंदर सर राय, राजेश राय, पवनदीप जी, धनंजय राय सोनू जी, पंकज राय, सिद्धू राय, विनीत राय, अमरिंदर राय, अनिल राय जी, अनिल जी, धनंजय जी, मनोज शुक्ला जी, अनिल राय जी नमस्कार, संतोष राय जी नमस्कार, सतनाम धीमान जी नमस्कार, अवनीश पांडे जी नमस्कार, आशुतोष राय जी, प्रभा प्रभुनाथ राय जी, विकास झोलिया जी, हरेन त्यागी जी, अश्विनी कुमार जी, प्रवीण कुमार राय जी, ईशान राय अभी जुड़े हुए हैं, रजनीकांत राय जी नमस्कार, बीरेंद्र राय जी, त्रम्बार धनकर सर नमस्कार, आप भी जुड़े हुए हैं नमस्कार, जयप्रकाश राय जी नमस्कार, डॉक्टर राकेश कुमार खंडल जी, बहुत अच्छे साइंटिस्ट और पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, आप हमें बराबर देख रहे हैं, आपका स्वागत है, नमस्कार, आपका सानिध्य हमें मिलता रहता है। विकास कुमार सिंह जी नमस्कार, श्वेता राय जी, सलमान शेख जी, रजत जायसवाल जी, जोगिंदर चौहान जी, हिमांशु सिंह जी, रामचंद्र लठवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत, मनीष राय जी, राजकुमार सिंह जी नमस्कार, मनीष कुमार राय जी नमस्कार, रिंतन राय जी नमस्कार, संतोष कुमार राय जी नमस्कार। आप सब लोग मेरे साथ अभी तक इस वार्ता में थे, आप सब लोग पूरी वार्ता को दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, ईशान टाइम्स यूट्यूब पर आप डालेंगे, आपको ये वीडियो पुनः पुनः मिलेगी, और जो भी बात है उस पर आप अपनी बात को कह भी सकते हैं, वहां भी कमेंट लिखते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आनंद कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, आप भी आए, आपका भी धन्यवाद। बहुत सी बातें हुई आज, कश्मीर पे ही बात हुई, कर्नाटका पे ही बात हुई, और अभी आपको लेटेस्ट एक बात बता दें कि प्रोटेम स्पीकर का नाम की घोषणा कांग्रेस ने कर दिया है और विधानसभा सचिवालय ने आरबी देशपांडे का नाम दिया है, प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। अब कांग्रेस के और जनता दल एस के विधायक हैदराबाद से चल चुके हैं कर्नाटका के लिए, जहां तक अनुमान है कि शाम तक पे बेंगलुरु में होंगे और कल विधानसभा सत्र के दौरान में फ्लोर पर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सरकार बनाएगा और कौन सरकार से बाहर जाएगा। आप सब लोग जुड़े, धन्यवाद। इस वीडियो को पुनः आप देख सकते हैं, धन्यवाद।